नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा, द मायास हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, क्या आप भी हैं डायबिटीज जैसी समस्या से परेशान, मधुमेह जैसी समस्या को दूर करना चाहते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी रामबाण औषधि बताऊंगी जो कि आपके डायबिटीज जैसी समस्या को, जो पेशाब में आपके शक्कर आती है, उसे पूरी तरीके से बंद करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। मैं आपको कम से कम 3 से 4 प्रकार की विधियाँ बताऊंगी कि किस तरीके से अपन अपने डायबिटीज जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो देखनी है, नहीं तो आपकी जो जानकारी है वो पूरी तरीके से अधूरी रह जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर प्रेस कर दे, जिससे जो भी मैं अगली वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, यानी कि डायबिटीज जैसी समस्या को, मधुमेह जैसी समस्या को दूर करने की, जड़ से खत्म करने की रामबाण चमत्कारी औषधि। जामुन के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा मीठा है, इसका टेस्ट होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अपनी डायबिटीज जैसी समस्या को भी दूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज जैसी समस्या को दूर करने की चमत्कारी औषधि है जामुन। जामुन इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है डायबिटीज वाले पेशेंटों के लिए, जो आपके पेशाब में शर्करा आ रही है, जो शक्कर आ रही है, उसे पूरी तरीके से दूर करने में, ख़त्म करने में मदद करेगा। किस प्रकार से मदद करेगा जामुन, उसकी मैं आपको 3 से 4 प्रकार की विधियाँ बताऊंगी। उन अलग अलग विधियों से आप जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं। तो सबसे पहली विधि होती है, अपन को जामुन की जो जड़ होती है दोस्तों, उनको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। 100 ग्राम जामुन की जड़ लेनी है और उनको अपन को 250 ग्राम पानी में पीस करके, 250 ग्राम पानी में पीस करके उसके अंदर फिर अपन को मिला देना है 20 ग्राम मिश्री। फिर उसका अपन को सेवन करना है प्रातःकाल सायंकाल भोजन से पहले, तो जो आपकी मधुमेह जैसी समस्या है वो दूर होगी। मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी मानी जाएगी। नेक्स्ट होता है, दूसरा भी आपको उपाय बताती हूँ कि आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं जामुन को, जिससे कि आपकी डायबिटीज जैसी समस्या को दूर कर सके। तो दोस्तों, जो जामुन के जो सूखे बीज होते हैं, जामुन के सूखे बीज के चूर्ण को 300 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक लेना है और आपको दिन में 3 बार उसका सेवन करना है, तो जो आपके पेशाब में जो शर्करा आ रही है वो आना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों, आपको 250 ग्राम पके हुए जामुन के फल लेने हैं। 250 ग्राम जामुन के पके हुए फलों को दोस्तों अपन को 500 मिलीलीटर उबलते हुए पानी में डाल दें, फिर उसे आप उबलने दें, थोड़ी देर बाद उसे ठंडा होने दें, फिर उसमें से जो पके हुए फल हैं उनको निकाल करके उन्हें अच्छी तरीके से मसल लें और सूखे कपड़े पर उसे छान लें, फिर उसका आपको सेवन करना है दिन में 2 बार, तो आपकी जो मधुमेह जैसी समस्या है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी माना जाएगा। एक और भी आपको उपाय बताती हूँ, जो जामुन की छाल की जो राख होती है वो मधुमेह के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी औषधि मानी जाती है। अगर आप इसका 10 से 20 ग्राम अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो नहीं सॉरी, अगर आप इसका 600 मिलीग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करेंगे, तो आपकी जो पेशाब में जो शर्करा आना है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। 625 से 2 ग्राम तक, 625 मिलीग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक अपन को सेवन करना है। जो दोस्तों अपना जो जैसे कि बड़े आकार के जामुन होते हैं, बड़े आकार के जामुनों को दोस्तों अपन को पहले अच्छी तरीके से धूप में सुखा लेना है, फिर उसे शुष्क कर देना है, फिर इसका अपन को दोस्तों चूर्ण बना लेना है। 10 से 20 ग्राम चूर्ण का अगर आप सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करेंगे, तो आपकी जो डायबिटीज जैसी समस्या है वो पूरी तरीके से दूर होगी। ये हैं दोस्तों जामुन के चमत्कारी फायदे। इन अलग अलग विधियों से भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको कोई डाउट हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप अपने एक बार डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। और वैसे मेरे हिसाब से दोस्तों, सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। आप पहले से कोई अन्य प्रकार की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई अन्य प्रकार की औषधि का सेवन कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। जामुन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है अपनी डायबिटीज जैसी समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ओवरडोजेस भी नहीं लेना और आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई औषधि के साथ।
तो आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं अगली वीडियो लेके आऊँ, अगली औषधि के बारे में जो वीडियो लेके आऊँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर दोस्तों आपको जामुन के रिगार्डिंग कोई अन्य प्रकार की जानकारी जानना चाहते हो, या फिर आप किसी और औषधि के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, या फिर आप किसी अदर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमें बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए टाइम अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।